इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 1,54,00,000 रुपए के ठगी का शिकार हुए एक व्यापारी ने मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एवेन्यू एंटिक इंटरनेशनल, एवन मेटल ऑर्गेनाइजर और इंटर वीनस मेटल कंपनियों के जरिए एंटिक चीज़ों की बिक्री की जाती थी। तमाम परीक्षणों जैसे साइंटिस्ट लेबोरेटरी द्वारा लोगों को टेस्ट कराया जाता था और उसके बाद इंटरनेशनल बाजार में इसे करोड़ों रुपए में बेचने का फायदा देने का ऐसा लालच देकर लोगों को अपना शिकार बनाया जाता था। मगर शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के पुलिस इंस्पेक्टर शिवा और रईस शेख ने इस मामले की जांच पड़ताल की और इन ठगी करने वाले 3 लोगों को पकड़ लिया। इनके पास से पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल करने वाले कई बनावटी चीज़ें भी बरामद की हैं। पकड़े गए आरोपियों के नाम हैं योगेंद्र हंसराज प्रजापति 58 वर्ष, सैयद बबलू कबीर उम्र 51 वर्ष, प्रेग्नेस जयंत भाई उम्र 41 वर्ष। ये लोग ठगी का शिकार लोगों को लालच देकर बनाते थे। पुलिस ने इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 120 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जांच पुलिस आगे कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।